तो स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो पे। और आज जो है बारिश का मौसम है और आज जाना है हंटर के साथ। तो हंटर के साथ जो है काफ़ी दिनों बाद जो है ये वीडियो आ रहा है और धूप कह रहे हैं, बारिश जो है फिलहाल हो रहा है और टिमटिमा रहा है। देखते हैं, चलते हैं। इसका सर्विस करने का जो है समय आ चुका है। तो कौन सा सर्विस है? सेकेंड सर्विस है, जो कि आपका 5000 किलोमीटर पर होता है और 6 महीना। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का गाड़ी चला है 3364 किलोमीटर मान लीजिए। तो चलिए देते हैं इसको सर्विस में और पूरा कार्यक्रम बताते हैं कि सर्विस में जो है ये क्या क्या करते हैं। गाड़ी गंदी भी जो है काफ़ी हो गई है और हमारा लोगो तो देख ही सकते हैं यूट्यूब। तो चलते हैं इस वीडियो को दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ ही जो है आपको पता भी चल जाएगा कि सेकेंड सर्विस में जो है क्या क्या काम होता है। दोस्तों बारिश रुकने का जो है मैं वेट नहीं किया और एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग से जो है फिलहाल कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग का जो है कुछ ना कुछ खराब जो है वो होते रह रहा है और अभी पैसा जो है उतना नहीं आ रहा है या पैसा उतना अभी नहीं है जिससे जो है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप जो है मैं खुद से जो है खड़ा कर सकूँ। GoPro तो मेरे पास फिलहाल है लेकिन अभी जो है शूट कर रहा हूँ मोबाइल से। मोटो ब्लॉगिंग का फील भी जो है आपको आएगा और बारिश तो देख ही सकते हैं, बारिश का माहौल जो है वो कैसा चल रहा है। तो सीन फिलहाल यही है और मौसम पहाड़ों पे जो है जाना अभी बहुत ही मुश्किल का काम है। लैंडस्लाइड जो है हर जगह हो रहा है, केदारनाथ में जो है पहाड़ के पहाड़ जो है वो गिर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बारिश के टाइम पे इग्नोर करिए पहाड़ पे जाना, जहाँ पे आपका जो है पानी का फ्लो रहता है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। अभी न्यूज़ में आ रहा होगा कई लोग जो है बह गए, तो सीन यही है। ऐसा जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आप जो है बारिश के टाइम में जो है पहाड़ों को जो है इग्नोर करें। बाकी सब जगहों पे जा सकते हैं जैसे कि मॉनसून टाइम पे जहाँ इसमें जाया जाता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें, जहाँ पे है वहीं का जो है मॉनसून का मज़ा लें। तो अभी चलते हैं एम्बुल चल के जो है आपको प्रोसीजर बताते हैं कि क्या है। स्थिति देख लीजिए दोस्तों, पूरा जो है घूम चुका हूँ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ एम्बुल रॉयल इनफील्ड और गाड़ी जो है अपनी यहाँ पर है। तो चलते हैं, गाड़ी को जो है सर्विस में ले कर चलते हैं। आपका जो है GoPro नहीं होने के कारण जो है ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होती है। तो चलते हैं, देते हैं सेकंड सर्विस जो है वो कराते हैं। समय इसके हिसाब से देख लीजिए 11:08 हो रहा है। तो चलते हैं अंदर और गाड़ी को देते हैं और प्रोसेस जो है आपको समझाते हैं सेकंड सर्विस का। और ये देखिए पूरा जो है भीग चुका हूँ। 11:41 से 11:42 में जो है अभी मैं आके बैठा हुआ हूँ कस्टमर लॉन्च में। तो गाड़ी की सर्विस जो है वो हो चुकी है और कितने बजे इंटर किया था वो मैंने आपको दिखा दिया और एग्जिट देखिए मैं कितने बजे कर रहा हूँ, 1:45 में। अब सेकंड सर्विस में बेसिकली कुछ होता नहीं है, सिर्फ जनरल चेकअप होता है, लेकिन रॉयल इनफील्ड में जनरल चेकअप भी जो है मैं आपको बता दूँ कि कितने का पड़ता है। हालाँकि कोई काम नहीं रहता है, चेन ल्यूब चेन क्लीन जो है मैंने खुद से जो है, जैसा कि आपको पता था कि मैंने खुद का जो है चेन ल्यूब चेन क्लीन जो है इन लोगों को दिया है, फिर भी जो है बिल दिखाता हूँ मैं कितने का बना। कहने के लिए जो है ये सब फ्री सर्विस होता है, लेकिन आज आपको जो है मैं दिखा दूं आंखों देखा। तो ये देखिए चेन ल्यूब का जो है इसने 1 रुपया भी नहीं जोड़ा है, लेकिन लिक्विड सेमी सिंथेटिक ऑयल जो कि 5000 किलोमीटर में बदलाता है, इसमें फिर से जो है रिफ़िल हुआ है 300 ml। अब बताइए कि उस पिछले बार जो है 300 ml कैसे कम हो गया, या तो इंजन ये तेल खा रही है या कुछ तो ऐसा है जो दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ऑटोमेटिक जो है कैसे ख़त्म हो सकता है 300 ml, वो भी 300 ml। एक बैग 300 ml यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, क्वांटिटी 0.30, तो ये कैसे कम हो गया। इसका जो है पैसा लिया हमसे 170 रुपये पूरा जोड़ जाड़ के। फिर उसका ब्रेक पैड किलोमीटर मैं दिखा दूँ, 3376 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली है और उतने में जो है इसका ब्रेक पैड ख़त्म हो गया। तो कितना हाई मेंटेनेंस गाड़ी है रॉयल इनफील्ड का, ये जो है मैं आप सबों को दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। और टोटल हमको पे करना पड़ा है 407 रुपये जो टोटल पे करना पड़ा है, जबकि इसमें कोई काम नहीं था। अभी इसमें मैं चेन ल्यूब चेन क्लीन का अलग से देता तो जो है आपको 120 रुपये जो है और ऐड करना पड़ जाता। अब देखिए गाड़ी का सिचुएशन जो है ये देख लीजिए कैसे जो है सर्विस हुआ है पूरा A to Z। अभी बारिश का जो है मौसम है तब भी जो है मैं आपको दिखा दूँ, काम तो खैर ठीक किया है, काम में जो है मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस रॉयल इनफील्ड का मेंटेनेंस भाई काफ़ी हाई है, इतना जो है नहीं होना चाहिए। और कैसे अपने आप जो है इसका ऑयल जो है कम हो गया ये भी जो है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब पिछली बार मात्र आप 3376 देख लीजिए, इसमें से 500 घटा दीजिए यानी कि 2800-2900 किलोमीटर पर जो है आपका मोबिल रिफिल
हुआ, यानी कि 300 ml कम कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। और ब्रेक पैड का भी जो है मैं बता दूँ, 3400 किलोमीटर में ब्रेक पैड भी जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। चलिए मौसम देख लीजिए, मौसम जो है वो कैसा है और मौसम का जो है एंजॉय लीजिए। बाकी यहाँ से निकलते हैं और निकल के जो है रास्ते में आपसे मिलते हैं। मौसम तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया मज़ेदार मौसम हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए मौसम थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो बरस रहा है। इतना तेज़ धूप होने के बाद जो है इतना अच्छा मौसम हो जाना काफ़ी बेहतरीन जो है ये बात है। बाकी गाड़ी का जो है अपना सर्विस हो चुका है, सेकेंड सर्विस। रॉयल एनफील्ड का फ्री सर्विस जो कहते हैं ना, वो सिर्फ नाम का फ्री होता है, काम का फ्री नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं घर, घर चल के जो है कुछ खाएंगे। समय देख ही सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, अभी तक मैं कुछ खाया नहीं हूँ, तो खाना जो है वो ज़रूरी है। तो चलते हैं घर सीधे और घर चल के जो है खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है आपसे उसका मौसम जो है पूरी तरीके से धूप जो है वो निकल चुकी है और जस्ट सामने जो है हमारा प्यारा गाड़ी जो है हंटर खड़ी हुई है। तो अब देखिए रॉयल इनफील्ड का जो है क्या सीन चल रहा है, कैसे सीन चल रहा है। 2500 किलोमीटर पे जो है मोबिल बदलाया था और 2500 किलोमीटर में फिर से जो है आपका मोबिल का जो है रिफिल हुआ है, वो भी 300 मिलीलीटर। कितना इम्पोर्टेंट बात जो है मैं बता रहा हूँ अभी कि कैसे जो है मोबिल जो है वो कम हो गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो मोबिल खा रही है गाड़ी और या तो कहीं से लीक कर रही है, यही दो ऑप्शन है। तो उन दोनों में से जो है ऑप्शन को जो है अगर हटा देते हैं तो तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि पहली बार जब सर्विस हुई थी उस समय जो है मोबिल कम डाला गया था। ये लोग जो है पाइप से जो है अभी नया सिस्टम जो है निकला है, पहले जो है गैलन से भराता था लेकिन अब जो है ये लोग खुद से जो है मेजर करके जो है वो डालते हैं। तो उसमें जो है ये लोग कितना डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो है कंज्यूमर को जो है पता ढंग से नहीं चल पा रहा है। तो यही सब जो है रॉयल इनफील्ड इतना बड़ा नाम होने के बाद भी जो है अभी इशूज जो है आ रही है, इतने बढ़िया इंजन बनाने के बाद, इतना जो है ये सब होने के बाद रेट्रो लुक में जो है ऐसा ये लोग कर रहे हैं, मेरे समझ के तो बाहर है। अब मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी को भी मुझे जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा जो सर्विस फ्री है उसमें भी जो है 700-800 रुपये लग जा रहा है। बताइए रिफिल के नाम पे जो है 300 ml आप वो डाल दे रहे हैं, 2500 में जो है इसका, 3000 में आपका ब्रेक सोल जो है वो घस जा रहा है। क्या मतलब क्या दे रहे हैं आप गाड़ी में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।